मैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के पोस्ट पर 10 साल तक काम करती रही। नौकरी और करियर के दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो किसी को भी ये परिस्थिति समाधानकारक लगेगी, लेकिन मैं मेरे मन में हमेशा एक खोखलापन महसूस करती थी। मेरी अंदर की आवाज़ मुझे एक ही सवाल पूछती थी, क्या तुम इस काम के लिए बनी हो? लेकिन ऐशो आराम की और जिसे हम कहते हैं सेटल्ड लाइफ से ऐसे अचानक दूसरी राह पर चलना आसान बात नहीं है। बहुत धैर्य की जरूरत होती है ऐसे कठोर निर्णय लेते समय। बट लाइफ हैड ऑलरेडी प्लान समथिंग डिफरेंट फॉर मी। नवंबर 2016 में हम लोग लॉन्ग वेकेशंस लेके इंडिया वापस आए। उस समय मेरी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई। फिर मेरे समझ में आया कि भारत का विकास चंद लोगों तक ही सीमित है और जो रेस्ट ऑफ द पीपल है वो सब जनता पहले जैसे जीवन जी रही है। उस परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया। फ्रेंड्स, ये थॉट्स है स्फेयरुल फाउंडेशन की फाउंडर गीता बोरा जी के। और ये फाउंडेशन एक ऐसे विषय पर काम करती है जिस पर अभी भी हमारे समाज में खुलकर बातें नहीं की जाती। अभी भी कई सारी गलत फहमियां हमारे मन में है और वो टॉपिक है मंथली पीरियड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस बातचीत को। सबसे पहले गीता जी, आपका विद्यावाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी का। मैंने शुरुआत में स्फेयरुल फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन तो दिया है, तो गीता जी आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि हमारी फाउंडेशन किस प्रकार काम करती है। एक्चुअली ये जो फाउंडेशन है मैंने एक साल पहले ही शुरू किया और यूएस में मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थी और जो वो कंपनी थी वहाँ पे हर कॉरपोरेट एनजीओ के लिए काम करती है। okay. कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ी हुई होती है। तो मेरी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो इस चीज पे काम करती थी और वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काम कर रही थी। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज में एटीएम जैसे लग गए हैं। मतलब आपको कहीं भी जाना है तो आप बस एटीएम की तरह उसमें से निकालिए और चलिए और सब फ्री है। और जब मैं इंडिया आई तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही स्टोरी थी। बहुत तो मुझे लगा मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ सेशन की तरह होता है। स्कूल में सेशन दे दिया, समझा दिया, लेकिन कोई इसे एज अ प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। तो इतने साल आईटी में रह के मुझे हर चीज़ प्रोजेक्ट की तरह एग्जीक्यूट करने की आदत हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि हम इसे एक प्रोजेक्ट की तरह रन करते हैं जहाँ से शुरू करेंगे और उसका एंड कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ लोगों को इम्पैक्ट कर लिया और बाकी के लोग रह गए। तो फिर इसलिए हमने ये फाउंडेशन शुरू किया और हम लोग अभी दोनों स्तर पे काम कर रहे हैं। सेशंस ले रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं। आप एकदम से नहीं बोल सकते ये गलत है। हाँ। तो उन्हें उन्हीं की तरह से समझा रहे हैं। हर कल्चर में, हर स्टेट में, इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं तो उन्हें ये समझा रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ समझाने से काम नहीं चलता क्योंकि कुछ लोगों को जिनको पता भी है तो भी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कैसा है कि हर महीने का खर्चा है। तो जब गरीब परिवार में महिलाएं जो ज्यादातर होती हैं वो सबसे पहली कटौती अपने घर में अपने आप ही करती हैं। तो जब हर महीने इतना खर्चा पीरियड और एक एक घर में एक महिला नहीं है, उसकी बेटी भी होगी, बड़ी बड़ी फैमिली होती, दो तीन महिलाएं हैं और हर महीने इतना खर्चा करने की कैपेसिटी हर एक में नहीं है। नहीं, तो फिर हमने अपना प्रोडक्ट शुरू किया। हाँ, उसका नाम है स्त्री। ओके। हाँ, तो वो स्त्री नैपकिन हम क्या करते हैं कि जहाँ जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनको वो फ्री में दिया जाता है। ओके। और फिर हमने अब इस प्रोजेक्ट को हमें सस्टेनेबल भी रखना है, राइट। ओके। तो सस्टेन करने के लिए हमने उसका एक कॉस्ट निकाला कि अच्छा कितना, मतलब एक महिला अपने पूरे साल के खर्चे में कितना निकाल सकती है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया और हमने फाइंड आउट किया कि अच्छा 240 रुपये एक ऐसा फिगर है कि साल में 240 रुपये कम से कम महिलाएं निकाल सकती है अपने लिए। लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 240 में एकदम बेकार सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर काफ़ी ये लगा। तो हमने टाइप किया इंडिया से बाहर की जो संस्थाएं उनके साथ। तो अभी फिलहाल हम ये नैपकिन इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से। ग्रेट। और फिर ये आगे जाके हम लोग इसमें एक इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं अगले साल तक। सो हम अपने इंडिया में ही बनाएंगे। गीता जी, अभी आपने कहा कि स्फेयरुल फाउंडेशन के द्वारा स्त्री ये सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं, तो सब महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन कितने किफायती है और उसका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए? हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब बाहर से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जो जो महिलाएं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, जो उतना भी नहीं खरीद सकती, उनको फ्री में दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए 240 साल का, तो साल में 240 रुपये निकाल ही पा रही हैं महिलाएं और बहुत सक्सेस हो रहा है ये प्रोजेक्ट पूरा। और
ये जो पूरा सैनिटरी नैपकिन का जो पूरा हमने एक प्लान बनाया है कि उन्हें ये समझाना कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी तो लोग कपड़ा भी यूज़ करते हैं और बहुत ऐसी जगहों में जाओ जहाँ पे लोगों को मतलब खाने को भी नहीं है, तो वहाँ पत्ते घास और राख और मैं जब लेबर क्लास के लोगों से मिलती हूँ तो वो ऐसी परिस्थिति में वहाँ की औरतें होती हैं कि वो सीमेंट की बोरियाँ कम्बल काट के, तो उससे उनकी मतलब हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ रहा है और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बात नहीं करते, तो इसके इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जो बीमारियां हैं वो भी बाहर नहीं आती। जब मैं स्लम्स में जाती हूँ, झोपड़पट्टी में जाती हूँ या गाँव में जाती हूँ, तो वहाँ लड़कियाँ मतलब औरतें लड़कियाँ बात भी करती हैं, सब आजकल की लड़कियाँ तो फिर भी खुल के बात करती है, तो उनकी माएँ बोलती हैं नहीं बात नहीं करना तो इतना प्रॉब्लम है ना, तो फिर अब उनको कैसे समझाना है। तो फिर हम लोगों ने मतलब ऐसे स्कूल्स में जाना शुरू किया है, स्कूल्स में सेशन करते हैं, स्लम्स में जाते हैं, औरतों को समझाते हैं और फिर अब धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं और अच्छा चल रहा है अभी तो। तो स्फीयरुल फाउंडेशन की शुरुआत करने के पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या था और आप किस बात से इन्फ्लुएंस हुई ये फाउंडेशन की शुरुआत करने के लिए? एक्चुअली मैं यूएस से जब आई थी तो ऐसे ही एक टूर निकला था और मैं यूपी के गांव में जा रही थी। पहले भी मुझे मतलब सोशल कॉज के लिए काम करना अच्छा लगता था, बट इस टॉपिक में मैं काम करूंगी। उस इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं जिस गाँव में थी वहां पर मैंने सुना कि एक औरत की डेथ हो गई है, उसका बहुत छोटा बच्चा है। तो उनसे पूछा क्या हुआ होगा, तो उसकी माँ ने बोला कि मतलब मासिक जब आया उसको तो उसने अपना ही ब्लाउज यूज़ करा और डॉक्टर बोलते हैं उसका हुक उसके अंदर घुस गया। तो वो इंसिडेंट ऐसा था मुझे कि मतलब हम यूएस में कैसे रह रहे हैं और यहाँ लोगों की क्या हालत है। और उसके बाद फिर मतलब मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए इस टॉपिक पे, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो फिर शुरू किया और फिर अभी भी मतलब बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स, जैसे अब आप जाएं किसी शहर में या कहीं कोई शॉप में और आप मांग के देखिए विस्पर का या स्टेफ्री का पैकेट, दुकानदार कैसे देता है आपको, एक न्यूज़पेपर में लपेट के, एक काले पॉलिथीन में। तो मुझे ये समझ नहीं आता समाज में इस चीज़ के ऊपर इतनी शर्म क्यों है, ये क्या है। जैसे हम सांस लेते हैं उसमें शर्म है क्या हमें, और भी तो ये तो शरीर की एक प्रक्रिया है और वो भी नेचुरल है और बहुत नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। इस पे हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर जो भी रहा हो पुराना, लेकिन अब तो मतलब हमें उससे आगे निकलना चाहिए। तो फिर इसलिए हम लोग इस पे शुरू कर दिया काम। अब देखें और जो क्या है आज की, मुझे बहुत होप्स हैं उनके, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को, भले वो समाज में बोल नहीं पाते लेकिन जब वो मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं कम से कम हम अपनी डॉटर्स को इस सिचुएशन में नहीं आने देंगे। तो वही मेरा मकसद है कि कम से कम चलो ये जनरेशन जैसे भी गई, आगे आने वाली जनरेशन जो है आज की लड़कियाँ कम से कम अपनी बेटियों के लिए वो सब नहीं फॉलो करेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में किया है। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही डेलिकेट है, इसके बारे में समाज में बात ही नहीं होती। तो आप इतने दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, इस विषय पर काम करिए, तो आप ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए जो बहुत ही अलग है और आपको ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आए हैं। हाँ, जैसे अभी मैं एक स्कूल में गई थी, हजरत बिलाल मस्जिद, और वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, इवन हिंदू कम्युनिटी में भी सेम ही हालत है, बट मैं जस्ट ये इंसिडेंट की तरह बोल रही हूँ। वहाँ पर मुझे एक 14 साल की लड़की थी और उसका मतलब मासिक धर्म पिछले मतलब वो चल रहा मतलब स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले और वो बोलती है कि वो रुकता ही नहीं है, वो होता ही जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सेशंस करती हूँ स्कूल में, समझाती हूँ तो बच्चियाँ आके पूछती हैं। तो उसने भी ऐसे ही बोला कि मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मतलब ये रुकता ही नहीं है। तो मैंने कहा आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया कितने महीने से नहीं रुका, बोलती 3 महीने तो हो गए। तो मैंने कहा क्या करते हो आप, तो बोलती है हम तो कपड़ा ही यूज़ करते हैं। और मैंने कहा सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं यूज़ करते, तो बोलती है सैनिटरी नैपकिन मतलब मम्मी बोलती हैं कि अगर वो यूज़ किया और कहीं इधर उधर फेंका, कोई सांप ने खा लिया, कुछ हो गया, तो मतलब उस वजह से हम लोग यूज़ नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा कपड़ा कैसे यूज़ करती हो, क्या करती हो उस कपड़े का, तो बोलती है मैं अच्छे से धोती हूँ उसको और मैं फिर सुखाती हूँ। तो मैंने कहा कहाँ सुखाती हो, तो बोली अब हमारे घर में बहुत सारे मेरा भाई है, पापा हैं और चाचा भी साथ में रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको अच्छे से साबुन से धो के जो मेरी कॉट है, जो मेरी चारपाई है, उसके नीचे एक ट्रंक है वहाँ सुखाती हूँ। मैंने कहा आप कितने सालों से ये कर रही हो, तो जब से मुझे शुरू हुआ है तब से कर रही हूँ।
तो फिर मैं उसके साथ उसके घर गई, मैंने वो जगह देखी, वो एकदम अंधेरा, चारपाई के नीचे तो अंधेरा ही रहने वाला, वैसे ही उस घर में धूप नहीं थी, तो वो अंधेरे में वो चारपाई के नीचे ट्रंक में वो कपड़ा सुखा रही है 3 साल से, और जो कपड़ा भी यूज़ कर रही है वो बिल्कुल प्रिंटेड है, मतलब आपको पता है वो कपड़े प्रिंटेड डाई होती है पूरी। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा आपको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, फिर मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गई। तो वो लड़की को सर्वाइकल कैंसर हो गया था और उसको मतलब अब हम उस टाइम नहीं बोल पाए, लेकिन फिर मैं वापस मतलब उसके पेरेंट्स से मिली और मैंने कहा देखो आप जो भी समझो इसको, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है और ये आपके ही घर में नहीं, ये मेरे में जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे ये हालत है। मैंने अभी तक 17 सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखे हैं अपने मतलब अपने सिर्फ डिस्कशन में जिन्होंने मुझसे बोला, और मुझे 100% श्योर है आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया होगा। तो ये इन्फेक्शन होना, पीरियड्स के बाद जो पेट में दर्द रहता है उसको भी लोग रिपोर्ट नहीं करते, और ब्लीडिंग 10 दिन से ज़्यादा अगर हमें हो रही है तो भी लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है। वही मैंने कहा ना, ये शर्म इसके पीछे इतनी है कि लोगों को इससे रिलेटेड क्या समस्याएं हो रही हैं वो भी नहीं पता। जैसे बच्चा पैदा होते समय बहुत सारी डेथ होती हैं, मेरे सामने भी हुई हैं, तो लोग बोलते हैं कुछ हो गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ये इन्फेक्शन है जो फैलता है शरीर में, या इनफर्टिलिटी बोलते हैं हम जैसे, जब आपको मासिक धर्म आजकल तो जल्दी शुरू हो जाता है लड़कियों को, 12-13 साल की उम्र में अगर शुरू हो गया और उन्होंने ठीक से मतलब कपड़ा ही यूज़ कर रहे हैं या केमिकल डाई वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसे धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग वैसा नहीं कर पाते हैं, तो वो इन्फेक्शन अंदर अंदर होता रहता है। और क्या होता है बाद में धीरे धीरे करके आपके मासिक धर्म जिस फ्रीक्वेंसी से आने चाहिए वो आते नहीं है, और धीरे धीरे वो बंद होने लगते हैं, फिर आपको इनफर्टिलिटी, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो मासिक धर्म जो बना है वो इसीलिए है कि आप जन्म दे सको, राइट, ये पूरी प्रक्रिया ही इसीलिए है। ये इतना सुंदर विषय है को हमने शर्म के उसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, अभी एक कर एक दो सुनाने जैसे नहीं है, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इसीलिए हमने इस चीज़ पे आगे आए कि जो लोग कपड़ा भी यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ये समझाएं, चलो आप नहीं, कई लोग बिल्कुल रिजिड हैं, वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ ही नहीं करना चाहते, तो उनको हम ये भी समझाते हैं कम से कम आप 5-6 घंटा उसको धूप में सुखाओ, क्योंकि धूप के अलावा सोप आपके कीटाणु नहीं मारता है, आपको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। और अब जब जैसे ऐसी संस्था आ ही गई है जो आपको अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो फ्री में दे रही है, तो आप उसका लाभ उठाइए। जी सही बात कही आप। गीता जी, अभी आपने जिक्र किया वो स्कूल जाने वाली बच्चे आपसे बात करती है, तो उस स्कूल जाने वाली छोटी लड़कियों के लिए आप जो मैगजीन और कॉमिक जो पब्लिश करने वाले है उस बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। हाँ, तो कैसा है कि अभी मैं जब सेशंस लेती हूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को एक कन्वर्ट कर दें, इन्हें कैरेक्टर में बना दें। और फिर मैंने उन सभी लड़कियों को जो भी मुझे जो जो लड़कियां मिली उन सबको मैंने कैरेक्टराइज किया कि अच्छा इसने मुझसे ये पूछा था, वो तो वो एक कॉमिक जैसा है। और अब जो लड़कियां हैं, मतलब मैंने ऐसी भी लड़कियों से मिली हूँ जिन्हें 9 साल में भी मासिक धर्म शुरू हो गया, तो वो लड़कियाँ मैच्योर नहीं हैं इतनी, और आजकल ऐसा हो रहा है, और पेरेंट्स तो बताते ही नहीं है हमारे इंडिया में, है ना, तो अब उन्हें कहाँ से पता चलेगा। 95% लड़कियों को पता ही नहीं होता फर्स्ट पीरियड आने से पहले कि पीरियड्स क्या होते हैं, जिस दिन आता है उसी दिन उन्हें डिस्कवर होता है, और वो तो डरे हुए होते हैं। मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, जब मुझे आया था मुझे लगा था मुझे कैंसर हो गया, मतलब ऐसे ही शॉक होता है, जबकि ये बताया जाना चाहिए। मासिक धर्म आने से पहले लड़कियों को पता होना चाहिए कि क्या है ये फिजिकल चेंजेस। तो अब पेरेंट्स शेयर नहीं करते, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, और फिर हमने सोचा चलो बच्चियां हैं ना, छोटी बच्चियां हैं वो, तो उन्हें कॉमिक फॉर्मेट में किया, और हर मतलब वो कॉमिक ऐसा है कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस जो भी है उसमें उन्हें पूरा समझाया, ए से लेके जेड तक उसमें सब इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरे सेशन में होती है उसके अलावा भी, और डॉक्टर वेरिफिकेशन है। और फिर मैं मुझे क्या एक अनुभव है कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें लड़कियां तो ठीक ही है, इवन लड़कों को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जब मैं सैनिटरी नैपकिन के ये जो पैकेट्स होते हैं वो बांटती हूँ तो लड़कियां बोलती हैं मैडम इसे ले जाएं कैसे, स्कूल में बच्चे जो लड़के जो हैं वो तो चिढ़ाएंगे हमें, है ना। तो और ये बहुत ज़रूरी है, क्या क्या हो रहा है इंडिया में हमारे देश में कि लड़कों को हम ये एजुकेशन देते नहीं है, और डेफिनेटली अगर पेरेंट्स नहीं देंगे ये नहीं है कि उन्हें मिलेगी नहीं, वो जहाँ से भी लेंगे वो गलत ही होगी,
जी बिल्कुल, तो हाँ. वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बेटर है कि हम उन्हें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दें, सो दैट उन्हें पता हो कि क्या है. ठीक है, इवन सिस्टर्स हैं जिनके घर में, उनको नहीं पता है, वो सिस्टर्स भी छुपाते हैं, मदर्स भी छुपाते हैं, तो वो रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती. और ये जोक का विषय नहीं है, मतलब यूएस में मैं आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ, अगर आपके ड्रेस में स्टेन हो जाता है तो अगर पीछे से आने वाला पर्सन लड़का भी है, ही विल जस्ट इन्फॉर्म यू कि आपको स्टेन है, मतलब वो चला जाएगा सामने से. लेकिन इंडिया में लड़के हंसने लगेंगे क्योंकि ये हमारी पालना की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इसे समझाना पड़ेगा लड़कों को भी लड़कियों को भी, दोनों को भी. ना उनके लिए शर्म का विषय है और ना लड़कों के लिए मजाक का विषय है. इसीलिए ये कॉमिक है कि उन्हें समझे. और इसका मतलब अभी तो हमने लिखना शुरू किया है और हमें मतलब काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हम लोग फंड रेज कर रहे हैं इसके लिए और हमें स्पॉन्सरशिप भी मिला है. वी आर वन एक संस्था है जो सामाजिक एकता के लिए काम करती है, तो वो लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरा स्पॉन्सर करते हैं आपका प्रोग्राम. क्योंकि क्या है कि ये कॉमिक हम इसमें कॉस्ट नहीं लगा सकते. जिन बच्चों के पास सैनिटरी नैपकिन खरीदने के पैसे नहीं है तो डेफिनेटली कॉमिक खरीदने के भी नहीं होंगे, तो एटलीस्ट उन लोगों तक हमें फ्री में पहुंचना है. तो इस तरह से हम इस को आगे ले जा रहे हैं. और वो कॉमिक का फॉर्मेट क्या है? अच्छा, उस कॉमिक में हमने पूरी एक स्टोरी लाइन बनाई है. और मतलब एक लड़की को शुरू होने वाला है और एक डॉक्टर है उसमें जो उसको शुरू से लेकर समझा रही है कैसे इसे, मतलब वो कॉमिक पबर्टी जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था, उसको भी समझाती है कि और भी क्या चेंजेस होते हैं आपके शरीर में, लड़कों में, लड़कियों में, सभी में. फिर मासिक धर्म क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको काबिल बनाता है माँ बनने के, आप इसकी वजह से ही आप जन्म दे सकते. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, आपको इसमें गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए. और मतलब कैसे होता है, आपके सफाई का सबसे जरूरी, हमारे मतलब जो भी बीमारियां हो रही हैं ये गंदगी की वजह से हो रही हैं, तो आप कैसे सफाई रख सकते हो, हाइजीन कहते हैं हम इसे. और आपको क्या करना चाहिए इस समय में, क्या नहीं करना चाहिए. और लास्ट हम ये कहते हैं कि आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब लड़कियों को समझा रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वीक हो. आप जो सुनते हो समाज से कि आप इसको मत छुओ, वो मत करो, पूजा मत करो, अचार को हाथ मत लगाओ, ये सब पुरानी बातें हैं, आप इससे ऊपर आओ. और ये शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसकी वजह से अपने आप को वीक भी मत समझो. आप तो लड़कियों को लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है और पढ़ाई नहीं कर सकते. इंडिया का ये आंकड़ा है कि हर 5 में से 1 लड़की स्कूल छोड़ देती है मासिक धर्म शुरू होने के बाद. पेरेंट्स नहीं करने देते, कहीं पे और कुछ कल्चरल मान्यताएं हैं, और कहीं पे लड़कियों के अंदर भी एक वो भावना है कि वो 5 दिन वो नहीं कर पाती. तो हम उन्हें मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको एक्टिव रहना है. और आप बहुत सारे तरीके हैं उन सब चीजों से. दुनिया में लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं तो उन्हें भी पीरियड्स आते होंगे उस, और जब वो पीरियड्स आते हैं तो घर तो नहीं बैठ जाती. तो आपको भी अपने एक स्टेप आपको भी आगे लेना है. और उसमें मतलब हमने बहुत सारे योगासन और एक्सरसाइज के बारे में, और अगर आपको ये पेट दर्द का प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही सॉल्व करना, नहीं किया तो लाइफ टाइम रहेगा, करोगे तो 5-6 महीने में वो इजी हो जाता है. हाँ, अभी आपने कॉमिक के बारे में बोला कि जो लोग खरीद नहीं सकते हैं उनको तो आप फ्री में वो अवेलेबल कर देंगी, लेकिन जो लोग खरीद सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से खुल के बात नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी वो यूजफुल हो जाएगा, तो वो आप उनको कैसे अवेलेबल कर दोगी? हाँ, तो हम लोगों ने सोचा है कि मतलब अभी तो हम लोग इसको एक एनजीओ लेवल पे ले जा रहे हैं. और उसके बाद वो डेफिनेटली वो अमेजोन पे और बुक स्टोर्स पे अवेलेबल होगा. उसका एक और वो भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों की प्रॉब्लम है, ये जो नॉर्मल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास उनमें भी ऐसा ही है कि पेरेंट्स डायरेक्ट बोलते नहीं, एटलीस्ट अपनी 8 साल की लड़की को तो नहीं बता पाते कि ये क्या है. तो एटलीस्ट पेरेंट्स अपने बेटी के साथ पढ़े, माँ पढ़े अपनी बेटी के साथ, एक बॉन्ड भी होगा कि वो समझा पाएगी. हाँ, वो इजी भी हो जाएगा. और उसकी स्टोरी लाइन इतनी ब्यूटीफुल है कि वो पढ़ते पढ़ते उनको समझेगा ही नहीं कि उन्होंने इतना हैवी टॉपिक पढ़ लिया. सो मंथली पीरियड्स जीवनदायी होते हैं ऐसा आप कहती है, तो इसके पीछे आपके क्या विचार है और क्या कुछ मेडिकल रीजंस भी है इस स्टेटमेंट के लिए? हाँ, ये जीवनदायी तो है ही, क्योंकि जब मंथली पीरियड्स आता क्यों है, मतलब आप मतलब मुझे लगता है कि सबको लड़कियों को आता है लेकिन 95% लड़कियों को पता नहीं कि क्यों आता है. इसका रीज़न है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसमें हमारे मतलब जब बच्ची छोटी बच्ची पैदा होती है तो उसके शरीर में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, लड़कों के अंदर भी स्पर्म्स होते हैं, लेकिन ये जो अंडे होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा काम करना शुरू करता है 8 से लेके 16 साल की उम्र में. ठीक है, और ये जो अंडे होते हैं इनका शुरू कैसे होता है, जो हमारा पबर्टी ग्लैंड है वो एक हार्मोन पास करता है और ये एग ट्रेवल करता है हमारे गर्भ तक.
ओके ठीक है, ये 5-6 दिन की उसकी यात्रा होती है, और उस यात्रा में अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. और जब नहीं होता है तो यूट्रस जो है, जिसे हम गर्भ कहते हैं, उसको तो पता नहीं कि ये अंडा बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा. तो यूट्रस पूरी तैयारी करता है, गर्भ पूरी तैयारी करता है कि अगर ये जो अंडा है ये बच्चा बन गया तो इस बच्चे के लिए नरिशमेंट कहाँ से होगा. तो वो खून जमा करता है, टिश्यूज जमा करता है, और अगर वो बच्चा बन जाता है तो आगे जाके वही उसी खून पे वो जिंदा रहता है. अगर वो बच्चा नहीं बना तो वो खून यूट्रस जो है, गर्भ जो है, वो उसे निकाल देता है. और वही हम पीरियड्स में देखते हैं, अपने मासिक धर्म में वही खून होता है, और कोई बॉडी के पार्ट से नहीं आ रहा वो खून. इसीलिए मैंने कहा वो वीकनेस नहीं है. अगर आप स्वस्थ है तो कोई वीकनेस नहीं. अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी है तो वो आपको एड ऑन करता है, बट अदरवाइज वो वही खून है जो गर्भ ने जमा किया था एक बच्चे को पालने के लिए. अब उसकी जरूरत नहीं है, वो उसको निकाल देता है बाहर. ये पूरी प्रक्रिया है. और कैसा है कि ये जो अभी साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और मतलब यूएस में अभी मतलब उन्होंने निकाल भी लिया है तरीका कि जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो सेकंड हाईएस्ट सोर्स है अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड के पास स्टेम सेल्स का. स्टेम सेल्स ज़रूरी होते हैं हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए, रीजनरेट करने के लिए. तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर है, हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, और स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी होती है जिसे नहीं ठीक किया जा सकता आज की डेट में, लोग बेडरिडन हो जाते हैं, बेड पे रह जाते हैं, उन लोगों के लिए. तो अभी ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, क्योंकि ये एक बच्चे को नरिशमेंट देने के लिए बनता है हर महीने, तो वो खून में से वो लोग स्टेम सेल्स निकाल रहे हैं और ऐसी दवाइयां बना रहे हैं, ऐसे इंजेक्ट हो रहा है हमारे उसमें कि ये सारी बीमारियों को दूर कर सके. तो डेफिनेटली ये खून तो गंदा है नहीं, ये तो जीवनदायी है. तो वही मतलब अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा समझाना भी पड़ रहा है. तो आशा करते हैं हमारे समाज का नजरिया बदल जाएगा और इस बारे में हमारे सहेलियों में भी बहुत जागृति होगी. थैंक यू सो मच गीता जी, आज आपने इस विषय बहुत खुले दिल से हमारे साथ बातचीत की. Wish you all the very best for your upcoming projects of Spherule Foundation. Thank you so much for coming. Thank you.